बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं। लेक्चर नंबर टू, सब्जेक्ट मैथ, डेट 16, यूनिट नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका एक्टिविटी नंबर 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप बुक पे अगर नोट करें, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, x + 7 × x − 3 = −7। इसको हमें सॉल्व करके ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फर्स्ट हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास है x + 7 × x − 3 = −7। अब अगर होता ही है कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो क्या करना पड़ता है, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करके क्या है कि आप क्या करोगे, x को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 7 को इस सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, x2। x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21। और ये -7 इस साइड पे क्या होगा, +7 = 0। अब नेक्स्ट ये है कि जब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे, जो सेम पावर वाले वेरिएबल हमके वापस में आ जाएंगे। अब x स्क्वायर जो है वो एक ही टर्म वैसे के वैसे लिखा जाएगा, +7x और +7x -3x, इन दोनों का अगर ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, 4x +4x और -21 +7 तो -14 आपके पास बचेगा, x स्क्वायर +4x -14 = 0। और ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि पिछले आपके लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास होती है ax² + bx + c = 0, जिसमें तीनों टर्म आ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आपके पास है x + 4 / x − 2 − x − 2 / x + 4 = 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ गया क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में। जब फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अब हम x और x माइनस 2 का एलसीएम लें तो मेरे पास क्या बनेगा, x × x − 2। अब ये एलसीएम फ्रैक्शन के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम x × x − 2 ऑन बोथ साइड। x × x − 2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, = 0 इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे x − 2 x − 2 से कैंसिल होगा, यहां बचेगा x × x + 4 और इधर आपके पास ये कैंसिल हो गया, x x से कैंसिल हो गया, x − 2 और x − 2 टाइम लिखा जाएगा प्लस। अब इधर आपके पास ये है कि ये कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो ये 4 × x − 2 = 0, क्योंकि ये टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही बचेगा। अब अगर ब्रैकेट्स आप रिमूव करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x² x को 4 से मल्टीप्लाई करें 4x माइनस माइनस ब्रैकेट वैसे रह जाएंगे, पहले ब्रैकेट रिमूव ना करें क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस ब्रैकेट अगर रिमूव कर दिया आपने तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। आप ब्रैकेट रिमूव ना करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को ऐसे मल्टीप्लाई करें x² x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें −2x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें −2x और x और माइनस को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें +4। ब्रैकेट वैसे के वैसे आप राइट कर दें, +4x अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x² −8x = 0। अब ब्रैकेट रिमूव करें, जब ब्रैकेट रिमूव की जाती है तो अगर पहले प्लस का साइन तो अंदर साइन नहीं चेंज कर दें, अगर पहले माइनस का साइन तो अंदर साइन चेंज कर दें। ये वाली टर्म वैसे के वैसे लिखें x² + 4x और अंदर साइन चेंज करें, −x² + 2x + 2x − 4 + 4x² − 8x = 0। उसके बाद आप अरेंज करें, फर्स्ट जो स्क्वायर वाले हैं वो आप देखिए x² − x² + 4x² + 4x + 2x + 2x − 8x − 4 = 0। उसके बाद जो टर्म कैंसिल होते हैं, कैंसिल आउट करें, x² से कैंसिल होगा, 4x² वैसे के वैसे लिखा जाएगा, ये 4x + 2x + 2x − 8x। अब ये +8x − 8x − 4 = 0 + 8x − 8x कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 4x² − 4 = 0। अब इसमें ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म क्यों है, क्योंकि प्योर फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास है ax² + c = 0, इसलिए ये प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करते हैं, अगर कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।